प्रभात कालीन विश्व खबर में आशा दहाल को नमस्कार। अब प्रस्तुत गर्दै छौं विश्वभर का मुख्य मुख्य खबरहरू। कोरोना को उत्पत्ति बारे थप अनुसंधान करने अमेरिकी निर्णय प्रति चीन को आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया। भारत का 24 राज्य में कई दिन यता कोरोना भाइरस को संक्रमण घट्दै निको हुने को संख्या में पनि वृद्धि। यास नाम को चक्रवात का कारण भारत में कमती में 5 जना को जान गए भने हजारों मानिस घरबार विहीन भएको समाचार संस्था रोइटर्स द्वारा जानकारी। ओल्ड ओमीटर का अनुसार अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त होने को संख्या विश्व में 15 करोड़ भन्दा धेरै पुगेको जानकारी। अमेरिका में कोरोनाबाट संक्रमण होने को संख्या में विगत 2 हप्ता में 37% कमी आएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यम द्वारा जानकारी। नेपाल संकटबारे भारत को दिल्ली में 2 थरी मत। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन नगर्न पूर्व कूटनीतिज्ञहरूको दबाव। सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण गर्ने खालको नियमका कारण भारत सरकारमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू एवं सरकारबीच विवाद जारी। भारतीय प्रहरीले आफ्नो कार्यालयमा आएर चेतावनी दिएपछि सामाजिक सञ्जाल कम्पनी ट्विटरद्वारा भारतको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बारे चिन्ता व्यक्त। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यमा बिहीबार मध्यरातबाट लागू हुने गरी 1 साता लकडाउन घोषणा। र शनिबार बिहानसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार विश्वमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 16,96,43,000 नाग्यो भने 35,25,000 भन्दा बढीको मृत्यु। हवस् त अहिलेलाई विश्व खबर यहीं सकियो। फेरि पनि विश्वभरका खबरहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।